मंदसौर जिले की पीपलिया कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी से उपज लाने पर प्रतिबंध लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। जब किसानों को बैलगाड़ी से उपज मंडी में लाने के लिए मना किया गया तो किसान आक्रोशित हो गए और नाराज किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बैलगाड़ी इकट्ठी कर महू नीमच हाईवे चौपाटी से एक रैली की शुरुआत की, जो कि कृषि उपज मंडी कार्यालय तक पहुंची और किसान ने अपनी समस्या बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि किसानों व कांग्रेस नेताओं के इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम जन व जन प्रतिनिधियों की लापरवाही समाज के लिए खतरा साबित हो सकती है। न्यूज इंडिया एयरलाइन मंदसौर से संजय सिंह डांगी की रिपोर्ट। प्रदर्शन किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरे देश में इस देश की आजादी यूं ही नहीं मिली, इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान है अन्नदाता किसान का, मजदूर का और गरीब का। कोई भी सेठ साहूकारों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इस देश की आजादी लड़ी अंतिम पंक्ति के गरीब किसान और मजदूर ने लड़ी। आज उसी किसान को, अन्नदाता को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है गौ माता की जो वो पूजा करने की बात कहते हैं, लेकिन पिपलिया मंडी में प्रशासन ने अन्नदाता किसानों को बैलगाड़ी लाना उन्होंने वर्जित कर दिया। इसका कारण ये रहा कि पहले तो जो बैलगाड़ियां हुआ करती थी, धीरे धीरे ये इस तरीके की सरकारों की हरकतों के कारण बैल प्रायः विलुप्त हो गया है, गाड़ियां खाली शो पीस में रह गई है। कुछ अन्नदाता किसानों के पास बैलगाड़ियां हैं और वो जब लेकर के यहां पर आते हैं तो उनको आने से मना कर दिया। उसको लेकर सारे किसान अन्नदाता हम खुद आए और आज बैलगाड़ियों का प्रवेश कराया। और प्रशासन को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन में दम है, जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश के शिवराज मामा में दम है, तो अन्नदाता किसान को मंडी में आने से रोक के दिखाए। अभी क्या मजदूर मजदूर क्या निर्णय? अभी क्या निर्णय? अभी सेक्रेटरी जी ने कहा है कि किसानों का जो मंडी में प्रवेश, जो बैलगाड़ियों का प्रवेश पुनः उन्होंने चालू कर दिया है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम जो मंडी सेक्रेटरी को जो ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग की है कि भविष्य में किसी भी किसान को आने से रोक नहीं सकते मंडी। आपका नाम? श्यामलाल जोगचंद। क्या मामला है पूरा? कुछ आए थे 8-10 बैलगाड़ी लेके मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्यामलाल जोगचंद। ठीक है, बैलगाड़ी मंडी में आएगी तो उनको बता दिया है सवेरे या तो 9 बजे तक आए या फिर दोपहर 2 बजे तक। क्या क्या मांगे मांगे, क्या समय दिया गया? भाई मंडी में जैसे स्थान रहेगा वैसे प्रवेश दे दिया जाएगा और एक शेड उनके लिए आरक्षित कर दिया गया जो स्थानीय किसान है। कुछ आरोप भी लगा रहे थे? अब आरोप तो लगाया, उनके प्रूफ दे देना। आरोप लगाने से क्या है, आरोप तो भी लगाएगा। सर पैसे लेने का आरोप भी लगा रहे थे कुछ? तो पैसे लेने परमिट दिया जा रहा है इस आरोप का? भाई सर बाहर 1.5-5 दिन से किसान खड़े हैं, पैसे लेके प्रवेश देते तो थोड़ी खड़े रहते थे।